नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका भर भर स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में ई कम्पिटेटिव बुक ऑफ AGTE 2024 से हम लोग मॉडल पेपर सेकेंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। UP SSC कृषि तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए स्पेशल AGTE के एग्रीकल्चर के सिलेबस पर आधारित ये बुक तैयार की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें हैं। और इस क्लास में हम लोग AGTE का मॉडल पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। AGTE मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है इस मॉडल टेस्ट पेपर का, भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजीकृत बीज, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गेहूं में आधार बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो 50 मीटर रखते हैं, 400 मीटर, 200 मीटर, 3 मीटर। तो सेकेंड का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं में आधार बीज उत्पादन है न्यूनतम पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारबॉयलिंग एवं मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो यहाँ पर थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुनैना किस्म है, इनमें से आपको बताना है सुनैना किस्म किस फसल की है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंग की फसल, मूंग की किस्म है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आपको यहाँ पर देना है, बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10,000, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधों की संख्या रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय अन्न भंडारण संस्थान IIGS स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में बालू सिल्ट और मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मृदा कणाकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर एट, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी होता है इनमें से। तो एट का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1.33 से 1.5 मिलीग्राम प्रति घन मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांद्रित आहार इनमें से आपको बताना है। तो नाइन का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है, स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है। तो स्टीमिंग अप से आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गर्भित गाय को अतिरिक्त राशन की मात्रा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, दुग्ध के स्राव बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर 11 का आंसर हो जाएगा, प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवजात को डिसबडिंग करने की उपयुक्त आयु आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म से 3 से 10 दिन तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है। तो 14 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनाइल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डोंकिंग की क्रिया किस पशु से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पर बताइए, डोंकिंग की क्रिया किस पशु से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, भेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूंजों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केना बोलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़ में।
भेड़ पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेसिक टॉमी किससे संबंधित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुओं की नसबंदी करना बेसिक टॉमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, एस्कॉर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल बताना है आपको किस विटामिन का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांझपन के लिए उत्तरदायी विटामिन निम्न से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन निम्न से कौन सी है? तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिकेट्स या पिजन चेस्ट कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई है इनमें से? तो 25 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड योजना आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड योजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बी कुरियन किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति से बी कुरियन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, नोरिन 10 जीन सर्वप्रथम किसने विकसित किया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से बन जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, QPM किससे संबंधित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटीन परिपूर्ण मक्का से। आप लोग ध्यान रखिएगा QPM। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपको बताना है किससे संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IPM में फसल चक्र अपनाना, गहरी जुताई करना, फांस फसलें उगाना, रोगी किस्मों का चयन करना, कीट नियंत्रण की कोशिश कौन सी विधि कहलाती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषण यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैसिलस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं क्या कहलाते हैं इनमें से? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, EPN कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है यहाँ पर, विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया था इनमें से? तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा DDT। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादपों से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, रोटेनॉन, पाइरेथ्रम, निकोटीन, ये सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से बरूथी नाशक मीटीसाइड आपको बताना है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं, केल्थेन, फोसमाइट, ओमाइट, ये सभी मीटीसाइड हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, कौन सी नस्ल का रोमन नाग तथा पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का पाया जाना लक्षण है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम इनमें से आपको बताना है दोस्तों, तो खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोगोड्रामा ग्रेनेरियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, केलोसोब्रुचस चाइनेंसिस किसका भंडारण का कीट है? तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दालों का कीट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से चूहा नाशक दवा आपको बतानी है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ब्रोमो डियोलोन और जिंक फास्फाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 है, निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, राइजोपर्था डोमेनिका
सिट्रो ट्रोगा सीरियलेला कोरसाइरा सेफो लेनिका ये सभी जो हैं अनाजों के भंडारण के कीट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सल्फोस किसका व्यापारिक नाम है दोस्तों, तो सल्फोस आपको बताना है किसका वैज्ञानिक व्यापारिक नाम है, तो यहाँ पर 42 का आंसर दीजिए तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम फास्फाइड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी एल्युमिनियम फास्फाइड क्लोरोपिक्रीन और ईडीबी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 है एल्युमिनियम फास्फाइड कौन सी स्रावित करती है, कौन सी गैस स्रावित करती है, तो 44 का आंसर हो जाएगा फास्फीन। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमी कौन सा खोजा गया था, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एग्यूना टिटसाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कहलाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेषाद्रि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि पीपीएन कब खोजा गया था, तो 47 का आंसर हो जाएगा 1743 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 49 कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संगरोधन डोमेस्टिक क्वारंटाइन अपनाते हैं, तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोडो ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है कौन सा सूत्रकृमि सिस्ट सूत्रकृमि कहलाता है इनमें से, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों हेटेरोटेरा और ग्लोबोडेरा बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा सूत्रकृमि दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है, तो दलहन का इनमें से आपको बताना है कौन सा सूत्रकृमि कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रोटे लेकुलस रेनी फोर्मीस रोटे लेकुलस और रेनी फोर्मीस ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गेहूँ की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया, तो 52 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एग्यूना ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सुनहरा सूत्रकृमि गोल्डन नेमेटोड कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोबोडेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस नेमेटोड कहलाता है, तो सिट्रस नेमेटोड आपको बताना है इनमें से कौन सा कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टाइलेंकुलस सेमी पेनेट्रांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान करता है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ग्लोबोडेरा और डाइटिलेकस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमिनाशक नेमेटिसाइड था इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा CS2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 मूल गांठ सूत्रकृमि रूट नॉट को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, तो 57 का आप लोग आंसर दीजिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट DD सूत्रकृमि नाशक की खोज कब हुआ किसने की थी, तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1943 में कार्टर ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया या जियंट सेल कौन से सूत्रकृमि के आक्रमण के लक्षण हैं इनमें से, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो मेलोडोगायनी के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 है फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है इनमें से, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हेटेरोडेरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 बेलपत्र के पुष्प से फल बनने में लगभग कितना समय लगता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो राइट आंसर हो जाएगा 11 माह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कट फ्लोवर का उदाहरण इनमें से नहीं है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रजनीगंधा। क्वेश्चन नंबर अगला नींबू में ट्रिस्टेजा रोग का वाहक इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एफिड। क्वेश्चन नंबर 64 है मेटाजीनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है, तो 64 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
खजूर फल वृक्ष में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम निम्न में से है, इनमें से आपको बताना है। तो आम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्गुणित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, निम्न में से सब्जियों की रानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, भिंडी को सब्जियों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान CISH कहाँ स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर 68 का आंसर हो जाएगा 0.1%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे ग्रीन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से बल्ब सलकंद के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनीगंधा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से फल में मादा एकलिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंजीर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो 72 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है। तो 73 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंगूर का खाया जाने वाला भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंगूर में संघाई की कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडाल विधि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेल पत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो 76 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंच कलिकायन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लहसुआ का कुल क्या होता है इनमें से। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरेन जीनेसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से बील की किस्म आपको बताना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा, गोमा यसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है। तो 79 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, NAA। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से ट्रिस्टेजा विषाणु रोग का सूचक पौधा कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नींबू इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 81 क्वेश्चन नंबर, केले का बीज रहित होने का कारण इनमें से क्या है। तो 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पार्थिनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से उद्यान मटर की किसी इसमें से बतानी है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उद्यान मटर की किस्म की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हिसार हरित फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मटर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मटर में स्वपरागण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है। तो कितने परसेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 21.1% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिकपी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चने की प्रमुख व्याधि है इनमें से। तो 86 का आप लोग आंसर दीजिए, ए और बी दोनों है, उकठा और झुलसा इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की SRI विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। तो यहाँ पर 87 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, 5 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य धान व SRI विधि में क्रमशः पौधों की दूरी रखते हैं। तो 88 का आंसर हो जाएगा, 20x10 एवं 25x25 सेमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है इनमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी के लिए हो जाएगा, मूंगफली धान गन्ना इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की फसल का जैव उर्वरक आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी एजोला BGA और एजोला एनाबीना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में उपयुक्त होते हैं। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की फसल में डेड हर्ट एवं व्हाइट ईयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीला तना छेदक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान के खेत में हॉपर बर्न लक्षण किस कीट के प्रभाव से होते हैं दोस्तों? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा BPH। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की फसल में ग्रासी स्टंट व टुग्रो व्याधि किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो 95 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहां पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96, भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई है दोस्तों? तो 96 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, सोनेरा 63, सोनेरा 64, लार्मा रोजू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं की एक जीन बोने किसी में से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनालिका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं की बोनी किस्मों में बीजों की गहराई रखते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 से 5 सेमी बीजों की गहराई रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर सीड कम फर्टी ड्रिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का गेहूँ धान फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में सॉल्व किया दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर इस बुक से एक प्रैक्टिस सेट और एक थियोरी की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।